जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुनीता जी की किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं गोभी के कोफ्ते कड़ी। नॉर्मली जब भी हम कोफ्ते बनाते हैं तो वो तेल में डालते ही फट जाते हैं या फिर ग्रेवी उसके अंदर अच्छे से नहीं जाती है। तो आज हम एकदम टेस्टी से गोभी के कोफ्ते बनाएंगे बस कुछ ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फूल गोभी, यानी कि हमने यहाँ पर आधा किलो फूल गोभी ले लिया है, जिसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। गोभी को अच्छे से वॉश करने के बाद हम यहाँ पर इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम गोभी को ग्रेट करेंगे तो हमें उसे मीडियम साइज़ में ग्रेट करना है, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटे हों। और जब हम इसके कोफ्ते बनाएं तो ये फटने के जो चांसेस रहते हैं ना, वो कम हो जाते हैं और कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गोभी एकदम अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। इसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम बहुत ही एक छोटी चम्मच नमक डालकर इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। कुछ इस तरीके से ही हमें इसे ग्रेट करके अच्छे से इसमें नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और 5 से 10 मिनट हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। पाँच से 10 मिनट हमने इसे रेस्ट पे रखा था, इसके बाद हमने इसमें नमक भी डाला था, जिससे जो गोभी है ना उसने पानी एकदम अच्छे से छोड़ दिया। इसके बाद हम इसे ऐसे निचोड़ निचोड़ कर इसे एक अलग बर्तन में रख देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कोफ्ते रहेंगे वो फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से, और इस पानी को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पानी का हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसी तरीके से उसमें नमक डालकर उसे 5 से 10 मिनट अच्छे से रेस्ट पर रख दीजिएगा। इसके बाद हम कुछ इसी तरीके से उसमें से पानी निचोड़ के, क्योंकि गोभी में नमक यदि आप डाल दें तो कोई भी सब्ज़ी वो पानी छोड़ती हैं, तो इसी तरीके से हम इसमें पानी निकाल देंगे और इस पानी का भी हम कुछ मतलब इस्तेमाल ही करेंगे, ग्रेवी में इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसी तरीके से इसे हमें अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गोभी में से एकदम अच्छे से पानी निचोड़ लिया है, और कोफ्ते के लिए हमें कुछ इसी तरीके से इसे करना है, क्योंकि इससे जो कोफ्ते रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं जिन्हें हम अच्छे से कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पर प्याज ले लिए हैं, 3 हमने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली हैं। आप जितना तीखा खाते हो आप उस अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 17 से 18 हमने यहाँ लहसुन की कली ले ली है, 1 से 1.5 इंच हम यहाँ अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। इन सब चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रेवी बनाने के लिए एक पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए हम इन सब चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पर 3 प्याज का इस्तेमाल किया था, जिसमें से हम आधे प्याज को रख देंगे, जिसका इस्तेमाल हम कोफ्ते में करेंगे, और बाकी प्याज़ों को हम इसमें डाल देंगे। टमाटर को भी हम वैसे ही रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हरी मिर्च को भी इसमें कट करके डाल देंगे और अदरक लहसुन, इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ग्रेवी के लिए तो हमने सब चीज़ों को तैयार कर लिया है, और हमने जो आधे प्याज को रखा था ना, उसका यूज़ हम कोफ्ते में करेंगे। तो यहाँ पर हम कोफ्ते के लिए जो आधा प्याज हमने रखा था उसे बारीक कट कर लेंगे, और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लेंगे। आप जितना तीखा खाते हो आप उस अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो गोभी को ग्रेट किया था ना, उसमें हम प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर, और 1 कप हम इसमें बेसन इस्तेमाल करेंगे। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा,
क्योंकि गोभी का जो मॉइस्चर है ना वो भी रिलीज हो रहा है। एक साथ आप इसमें बेसन मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, बट पूरा लमसम यदि आप देखें तो एक कप बेसन का इस्तेमाल इसमें हो जाता है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड कीजिएगा और साथ ही साथ हम इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड कर रही हूँ, और एक साथ मत कीजिएगा। और बेसन तो वैसे भी बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा, आपके कोफ्ते इससे फटेंगे नहीं, तो आप बेसन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और एकदम हल्के हाथों से हम इसे अच्छे से मल मल के मिला लेंगे। और यहाँ पर हम पानी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आपको लगे कि ये सूखा हो रहा है तो ही आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि गोभी जो है वो वैसे ही थोड़ा सा गीला गीला लगेगा जब आप इसे गूंथेंगे ना। जैसे आटा नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं उसी तरीके से करना है, और बस थोड़ा थोड़ा बेसन करके हम इसमें ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे। तो इसमें पानी का तो वैसे इस्तेमाल नहीं होगा, बट यदि आपको लगे कि आपका जो डो है वो सूखा पड़ रहा है तो आप इसमें बहुत ही थोड़ा ना बराबर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस चालू करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई के गर्म होने तक यहाँ पर हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। हमने इसका अच्छा डो बना ही लिया है, बस अब हम इसे गोल गोल घुमाकर अपना कोफ्ता भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते एकदम अच्छे से फ्राई होने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब यदि इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे तो मैं इसकी एकदम श्योरिटी ले सकती हूँ कि आपके कोफ्ते कभी फटेंगे नहीं। आप बिल्कुल इस तरीके से बनाइएगा और कोफ्ते बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल डालकर एक बार इसे चेक कर लेंगे कि हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। जब ये ऊपर आने लग जाए तो इसका मतलब ये गर्म हो चुका है। तो इसमें हम एक एक करके अपने कोफ्ते डाल देंगे। तो जैसे हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं हमें उसे इसी तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे पलटते रहेंगे और चारों तरफ से एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते एक साइड से एकदम अच्छे से पक चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। इसी तरीके से हम इसे चारों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते चारों तरफ से एकदम अच्छे से पक चुके हैं। जब चारों तरफ ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इस स्टेज पे यहाँ पर हम इसे एक अलग प्लेट पे निकाल के रख देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, और यहाँ पर आपके कोफ्ते यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी नहीं फटेंगे। तो एक बार इस तरीके से आप कोफ्ते ज़रूर बना के देखिएगा। इसी तरीके से अब हम इसमें और कोफ्ते डालकर इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वैसे कोफ्ते तो बहुत अलग अलग चीज़ों के बनते हैं, और आपने भी बहुत कोफ्ते खाए होंगे। आपको किस चीज़ के कोफ्ते पसंद है, और आपने भी पहले गोभी के कोफ्ते ट्राई किए होंगे, तो आप उसे किस तरीके से बनाते थे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हमने सब कोफ्ते को एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम उसी बचे हुए तेल में अपनी ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल निकाल देंगे क्योंकि तेल हमें ज़्यादा लग रहा है, तो तेल निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा, एक तेज़पत्ता, दो हम यहाँ पर बड़ी इलायची ऐड करेंगे, और एक इंच हम यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, जलाना नहीं है, नहीं तो जो पूरी बनी बनी सब्ज़ी एकदम ख़राब हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा इसे हम जलाएंगे नहीं। और उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया था ना, हम वो इसमें ऐड करके इसे अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच हम यहाँ जीरा पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है बट तीखी नहीं रहती है, सिर्फ ये कलर के लिए रहती है, तो आप डालना चाहते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने जो पानी रखा था ना, जिसमें हमने गोभी को स्क्वीज़ किया था
जो पानी निकला था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमें मसालों को एकदम अच्छे से पका लेना है 5 से 10 मिनट। यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर इसे ढककर अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर मसालों का पकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए 5 से 10 मिनट यहाँ पर हम पका लेंगे। तब तक हम यहाँ पर गार्निशिंग के लिए धनिया को भी बारीक कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मसाले एकदम अच्छे से भुन चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद हम इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। जितनी आपको ग्रेवी की थिकनेस चाहिए होगी ना, जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगा आप उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। यदि आपको थोड़ा थिक ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें कम पानी ऐड कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा हमने कोफ्ते में भी नमक डाला है, तो हम उस हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे और 15 से 20 मिनट हम जो अपनी ग्रेवी है उसको अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हमने इस सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ले लिया है, जिसे हम अच्छे से मीस कर इसमें डाल देंगे। तो बस यहाँ पर हमारे गोभी के कोफ्ते कड़ी बनकर तैयार हो गए। यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और हमने जो कोफ्ते बनाए थे ना, हम एक एक करके वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हम अच्छे से धनिया की गार्निशिंग कर लेंगे और हमारी एकदम टेस्टी से गोभी के कोफ्ते कड़ी बनकर तैयार हो गए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम कुछ ऐसी नई नई रेसिपी आप सभी के लिए लाते रहें। यदि हमारी रेसिपी में आपको कुछ गलती लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उन सब चीज़ों को अच्छा कर सकें।